चलिए जानते हैं बॉलीवुड की खास खबरें, क्या होने वाला है बॉलीवुड में और क्या रहा आज स्पेशल, किसने किसको पोस्ट किया और किसने किसको लाइक किया, क्या घट रहा है बॉलीवुड में। चलिए मेरे साथ आइए देखते हैं बॉलीवुड की खास खबरें। टीवी सीरियल देवों के देव महादेव एक्ट्रेस पूजा बनर्जी को लेकर हाल में बड़ी खबर सामने आई है। एक्ट्रेस की तबीयत ठीक नहीं है जिसके चलते उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। इस बात की जानकारी खुद पूजा ने दी है और बताया है कि वह पिछले काफी समय से बीमार चल रही हैं। शाहरुख खान ना सिर्फ फिल्मों में और अभिनय के क्षेत्र में बादशाह हैं, बल्कि खेल में भी उनकी बादशाहत कायम है। 26 मई को केकेआर और सनराइज हैदराबाद के बीच फाइनल मैच खेला गया, जिसमें शाहरुख खान की टीम ने आईपीएल 2024 की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया, जिसके दिल छूने वाले कई क्षण कैमरे में कैद हुए और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह हाल ही में गुजरात से वापस लौटी। पति और बेटे संग वह एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई। भारती ने पेपराइजी को बताया कि वह गुजरात से गोला का मुंडन करवाकर लौट रही हैं। सोशल मीडिया पर मुंडन सेरेमनी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसका मुंडन हो रहा है वो रोए ना रोए, लेकिन पीछे बैठी भारती रोती दिखाई दे रही है। 77वें कान फिल्म महोत्सव में भारतीय फिल्म मेकर पायल कबाड़िया ने इतिहास रच दिया। उनकी फिल्म ऑल वी इमेज इज लाइट ने ग्राउंड पिक्स जीता। पायल की इस उपलब्धि पर पूरा देश गदगद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम निर्माता निर्देशकों ने उनकी पीठ थपथपाई है। पायल कबाड़िया को भर भर कर बधाइयां मिल रही है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का दूसरा प्री वेडिंग फंक्शन इटली में आयोजित किया जाएगा। इसमें शामिल होने सोमवार को कई सेलिब्रिटी इटली के लिए रवाना हुए। मुंबई एयरपोर्ट पर सलमान खान, आलिया भट्ट सहित कई सेलिब्रिटी नजर आए। जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो विकास दिव्य कीर्ति सर को अच्छे से जानते होंगे। विकास इतने मशहूर हैं कि सोशल मीडिया पर उनका वीडियो आते ही वायरल हो जाता है। इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन से ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। उन्होंने एक्टिंग भी शुरू कर दी है। हाल ही में 12th फेल में वह नजर आए थे। विकास अक्सर बड़े बड़े स्टार के साथ नजर आते हैं। अब उन्होंने आमिर खान के साथ एक फोटो शेयर की है, जिसे देखकर लोग बोले बायोपिक कंफर्म है। कांस के मंच पर 30 साल बाद भारतीय फिल्म को अवार्ड मिला। फिल्म को अवार्ड मिलने से बॉलीवुड सितारे बेहद खुश हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म के डायरेक्टर और टीम को बधाई दी है। पायल कबाड़िया की फिल्म कांस के मंच पर अवार्ड मिलने के बाद आलिया भट्ट बेहद खुश है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, कृपया प्रशंसा स्वीकार करें, क्या शानदार उपलब्धि है, पूरी टीम को बधाई। निर्माता निदेशक शेखर कपूर ने एक्स पर फिल्म और निदेशक को बधाई देते हुए लिखा, पायल कबाड़िया की ऑल इमेज इन लाइट ने कान फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जीता। यह उनकी और उनकी टीम के लिए बहुत सम्मान है। ऐसा लगता है यह वर्ष भारत का है। इस साल का भारतीय सिनेमा का तीसरा और सबसे बड़ा पुरस्कार है। आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में आलिया भट्ट एक किताब पढ़ रही है और उनकी बेटी राहा अपनी मम्मी की गोद में बैठी हुई है। ऐसा लग रहा है कि राहा भी अपनी मम्मा के साथ किताब पढ़ रही है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए आलिया ने कैप्शन में लिखा, बेबी बी काइंड। आलिया भट्ट और राहा की इस तस्वीर पर फैंस लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। जानवी कपूर और शिखर पहाड़िया दोनों रिलेशनशिप में हैं। शिखर की मां का समर्थन करते हुए जानवी कपूर ने रविवार को 26 मई को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो पोस्ट किया। शिखर पहाड़िया की मां स्मृति संजय पहाड़िया अपने आगामी टीवी शो माटी से बंधी डोर के नए प्रोमो के वीडियो में दिखाई दे रही है। शिखर की मां का समर्थन करते हुए जानवी ने लिखा, आप पर बहुत गर्व है आंटी, अब शाम 7:30 बजे आपका मनोरंजन जारी रहेगा, जब मैदान की माटी छोड़कर आपका रिश्ता खेत की माटी से जुड़ेगा, देखिएगा जरूर माटी से बंधी डोर 7:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी हॉटस्टार पर। डांस दीवाना 4 के शनिवार को नितिन और गौरव सीजन के विनर घोषित हुए। नितिन और गौरव ने शो के विजेता की ट्रॉफी के साथ 20 लाख रुपए मनी प्राइज भी जीते। गौरव 22 साल के हैं और दिल्ली के रहने वाले हैं, जबकि 19 साल के नितिन बैंगलोर के रहने वाले हैं। नितिन और गौरव ने डांस दीवाने के अलग अलग ऑडिशन दिया था, लेकिन बाद में दोनों ने एक साथ परफॉर्म किया और शो के विनर बने।